नमस्कार। संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत आज हम संस्कृति की प्रमुख परिभाषाओं की बात करेंगे, लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले हम पुनः इस बात को ध्यान रखेंगे कि संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के संस्कार शब्द से लिया गया है। मानव जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। एक हिंदू के लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था है और यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन में इन 16 संस्कारों को आवश्यक रूप से करना चाहिए। संस्कार मानव जीवन की मलिनता को दूर करते हैं। संस्कार मानव जीवन को शुद्धता प्रदान करते हैं, अर्थात मानव जीवन का शुद्धिकरण करते हैं। और जो काम संस्कारों के द्वारा किया जाता है, जो अच्छाइयां संस्कारों के साथ जुड़ी हुई हैं, वे अच्छाइयाँ संस्कृति के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो पहली चीज़ जो हमें संस्कृति के बारे में ध्यान रखनी है वो ये कि संस्कृति का संबंध संस्कारों से है। मानव जीवन को शुद्ध करने में, सुंदर बनाने में, अच्छा बनाने में, जीवन की मलिनता को दूर करने में जो भूमिका संस्कारों की होती है, वही भूमिका संस्कृति की भी होती है। मानव और पशु की जो मूलभूत क्रियाएं हैं लगभग एक जैसी हैं, परंतु इसके बावजूद भी मानव पशुओं से श्रेष्ठ है, पशुओं से बेहतर है। और इसका मुख्य कारण है कि मानव के पास उसकी संस्कृति है। संस्कृति ने मानव को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध किया है। अगर मानव के पास संस्कृति नहीं होती तो पशु में और मानव में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता। तो जो भेद है, जो मानव की श्रेष्ठता है, उसके पीछे संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट ने इस बात का उल्लेख किया है कि मानव के पास 5 ऐसी विशेषताएं हैं जो पशुओं के पास नहीं है, और इन विशेषताओं के कारण ही मानव संस्कृति का निर्माता बना। इनमें पहली विशेषता है सीधे खड़े होने की क्षमता। दूसरी मानव विशेषता है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। तीसरी विशेषता है तीक्ष्ण और केंद्रित दृष्टि। चौथी विशेषता है मेधावी मस्तिष्क। और पांचवी विशेषता है प्रतीकों अथवा भाषा का प्रयोग। प्रोफेसर लेस्ली व्हाइट इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी संस्कृति है या मानव ने स्वयं को अधिकाधिक सुख देने के लिए जिस संस्कृति का निर्माण किया है, उस संस्कृति के निर्माण में मानव की इन 5 उल्लेखनीय विशेषताओं का विशेष योगदान रहा है। संस्कृति का सकारात्मक अर्थ निकलता है। संस्कृति का संबंध सुंदरता से है, संस्कृति का संबंध परिष्करण से है, संस्कृति का संबंध शुद्धता से है, संस्कृति का संबंध अच्छाइयों से है, अच्छे गुणों से है। अब हम बात करेंगे संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बाद में संस्कृति की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। संस्कृति के बारे में मानवशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने,
साहित्यकारों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं और अपने दृष्टिकोण को परोसा है। हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं आज। इनमें पहली परिभाषा है मजूमदार और मदान की। मजूमदार और मदान के अनुसार संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है। कल्चर इज अ वे ऑफ लिविंग ऑफ मैन, कल्चर इज अ वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि लोग जिस प्रकार से जीते हैं, जिस प्रकार का उनका खान पान है, पहनावा है, उनकी मान्यताएं हैं, उनके धार्मिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, ये सभी चीज़ें मानव की संस्कृति है। तो संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है, ऐसा मानना है मजूमदार और मदान का। लेकिन यहां हम इस बात का उल्लेख करें कि केवल जीने का वही ढंग संस्कृति में शामिल किया जाना चाहिए जो ढंग अच्छाइयों से संबंधित है, जो मानव को अच्छाइयों से जोड़ता है, जो मानव को सामाजिकता से जोड़ता है, सामाजिक और सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ता है। तो मजूमदार और मदान की परिभाषा जो काफ़ी छोटी है क्योंकि इसके शब्द बहुत कम हैं, आपने केवल परिभाषा में जो शब्द प्रयोग किए हैं वो है संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है। ये परिभाषा बहुत छोटी है लेकिन ये परिभाषा बहुत व्यापक है, इसमें बहुत गहराई है। मानव के जीने के ढंग को आपने संस्कृति कह करके पुकारा है, लेकिन जीने के ढंग अच्छे भी होते हैं, जीने के ढंग खराब भी होते हैं। हम में से ही कुछ लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, और उन मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। इसके विपरीत हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज विरोधी होते हैं, समाज का विरोध करते हैं, समाज में हिंसा फैलाते हैं, अपराध करते हैं। तो समाज में दोनों ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं, समाज में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ते हैं, अच्छाइयों के लिए जीते हैं, और कुछ लोग बुराइयों को बढ़ावा देने के लिए समाज में जीते हैं। लेकिन संस्कृति में केवल जीने के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को, मानव को अच्छाइयों से, सुंदरता से, परिष्करण से, शुद्धता से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से मजूमदार और मदान की संस्कृति की परिभाषा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। संस्कृति की दूसरी परिभाषा हरस्कोविट्स की है। आपके अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति कहलाता है। इस परिभाषा के शब्द भी बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं। ये परिभाषा भी बहुत व्यापक है, इसमें बहुत गहराई है, और निश्चित रूप से इस परिभाषा का प्रत्येक शब्द विचारणीय है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो हमको घेरे हुए है, वो हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्यावरण का एक भाग वह है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिसके निर्माण में मानव का किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं है। पर्यावरण का एक भाग वो भी है जो मानव ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से स्वयं को सुख पहुंचाने के लिए, स्वयं को अधिक से अधिक सुख सुविधा देने के लिए निर्मित किया है। अब प्रश्न उठता है कि पर्यावरण का कौन सा भाग संस्कृति है। संस्कृति में पर्यावरण के केवल उस भाग को हम सम्मिलित करेंगे जिसका निर्माण मानव ने किया है, जिसका निर्माण मानव ने स्वयं को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है।
क्योंकि मानव विचारशील प्राणी है, उसके पास बुद्धि है, योग्यता है, सोचने समझने की क्षमता है, दूरदृष्टि है, और वह ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक सुख स्वयं को प्रदान करे। तो इसके लिए निश्चित रूप से वह निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर खोज करता रहता है, निरंतर आविष्कार करता रहता है। तो पर्यावरण का वो भाग जो मानव ने बनाया है, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, मशीन, दीवारें, भवन, जो भी कुछ मानव ने बनाया है वो सब संस्कृति है, ऐसा हर्स्कोविट्स का मानना है। तीसरी परिभाषा टेलर की है, मैं इसे इंग्लिश में कोट करना पसंद करूंगा। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मोरल्स, लॉज, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड कल्चर। टेलर ने संस्कृति की परिभाषा के लिए जो शब्द यूज किए हैं उसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है, संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कानून, प्रथा, कलाएं, आचार और ऐसी ही अन्य आदतों और क्षमताओं का समावेश है जिनको मानव एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्राप्त करता है। आपने अपनी परिभाषा में 8 शब्दों का प्रयोग किया है और इन 8, ये 8 शब्द नहीं है बल्कि ये 8 संस्कृति के तत्व हैं। ये 8 शब्द हैं ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, आदतें और क्षमताएं। मानव का समस्त प्रकार का ज्ञान संस्कृति है। मानव के समस्त प्रकार के विश्वास उसकी संस्कृति है। मानव द्वारा सीखी गई समस्त प्रकार की कलाएं संस्कृति है। मानव के द्वारा स्थापित समस्त आदर्श नियम, समस्त प्रतिमान, समस्त आचार संस्कृति है। समस्त प्रकार की मौखिक और लिखित कानून संस्कृति है। सभी प्रथाएं संस्कृति हैं। मानव की सभी अच्छी आदतें संस्कृति हैं। मानव की समस्त क्षमताएं संस्कृति हैं। तो इस प्रकार से ईबी टाइलर की ये परिभाषा, जिसमें टाइलर ने 8 विशेष शब्दों को सम्मिलित किया है संस्कृति की व्याख्या करने के लिए, संस्कृति के बारे में बताने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः हम इस बात को रखें दिमाग में कि संस्कृति मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
मानव ही संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति मानव को शुद्धता, परिष्करण, सुंदरता से जोड़ती है। संस्कृति मानव जीवन की मलिनता, गंदगी को नष्ट करती है, समाप्त करती है, दूर करती है, और इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने सांस्कृतिक मूल्यों में अटूट विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करता है, ग्रहण करता है, संस्कृति को जीता है, उस व्यक्ति का जीवन उतना ही अधिक सफल होता है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़कर कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के सांस्कृतिक मूल्य ही व्यक्ति के अंदर सामाजिकता पैदा करते हैं, उसे समाज से जोड़ते हैं, सामाजिक मूल्यों से जोड़ते हैं और समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।